Hello student, good morning to all of you. Welcome to Strong Foundation Academy Patna online classes. Today I deliver the lecture on the topic of polynomial, lecture number 3 for class 9 CBSE and ICSE board. In lecture 1 and 2, what you are discussing? Basic concept about the what is the constant, what is the variable, what is the algebraic expression, how to identify the algebraic expressions, basic concept about the polynomial, how to identify the polynomials, right? Some lectures, remaining part of the polynomial, today we will discuss जो हम लोग सिर्फ concepts slightly दिए थे polynomial के बारे में, उसका जो remaining part है, उसको आज हम लोग discuss किए थे, right? तो basic, all student, kindly revise what is the constant, in previous video lectures 1 and 2 1 or 2 video lectures jab tak aap nahi dekhega lecture number 3 aapko do not understand to aap lecture 1 or 2 mein jaake mere jo video lectures hai wahan what is the constant what is the variable what is the algebraic expressions lots of usme examples lekar maine aap log ko samjhane ki koshish kiya hu right polynomial ke bare mein bhi basic concept diya hu तो व्हाट इज द कांसेप्ट फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए क्या कांसेप्ट दिया था व्हाट इज द फार्मूला कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर रेशनल नंबर आर एन मींस आर फॉर रेशनल नंबर उसी तरह से पॉलीनोमियल के लिए व्हाट इज द बेसिक कांसेप्ट कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर W फॉर होल नंबर्स राइट तो दोनों में क्या कांसेप्ट है वेरिएबल का जो पावर है सिर्फ डिफरेंस है जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो रेशनल नंबर होगा राइट जब पॉलीनोमियल होगा तो आपका होल नंबर होगा यही बेसिक कांसेप्ट है इसको आप अच्छी तरह से दोबारा यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पॉलीनोमियल जैसे पाई एक्स एक्स स्क्वायर आई एम राइटिंग पाई इज योर कांस्टेंट एक्स इज योर वेरिएबल वेरिएबल का पावर 2 2 किस तरह का नंबर है होल नंबर है राइट आप फिर अगेन आई एम रिपीटिंग जिस स्टूडेंट को होल नंबर इंटीजर नंबर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर इरेशनल नंबर्स प्राइम नंबर को प्राइम नंबर राइट रियल नंबर्स ये सारे के यदि कौन फंडामेंटल क्लियर करना हो तो मेरे वीडियो लेक्चर्स नंबर सिस्टम में आप जाकर सारे कांसेप्ट को क्लियर कीजिए राइट यहां हियर 2 इज योर पर्सनल नंबर सॉरी होल नंबर तो किस तरह का एक्सप्रेशन हो गया पॉलीनोमियल राइट इफ आई एम राइटिंग 5x का पावर 2 5x का पावर 2 5 इज योर कांस्टेंट इट्स ओके वेरिएबल यहां पर x है x का पावर क्या है √2 क्या रूट टू आपका होल नंबर है नहीं है रूट टू किस तरह का नंबर है इनरेशनल नंबर किस तरह का नंबर है इनरेशनल नंबर तो ये आपका पॉलीनोमियल भी नहीं हुआ राइट क्या ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द कांस्टेंट इट्स ओके वेरिएबल का पावर क्या है रेशनल नंबर रूट टू इज नॉट ए रेशनल नंबर रेशनल नंबर को हम लोग इंटीजर रेशियो के फॉर्म में p / q के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो रूट 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर तो दिस एक्सप्रेशन इज ना आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है ना ही ये पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन ही है अंडरस्टैंड अब इससे आगे हम लोग डिस्कस कर स्टार्ट करते हैं पॉलीनोमियल में कुछ कांसेप्ट जो लेफ्ट रह गए थे तो बेसिक कांसेप्ट क्या था पॉलीनोमियल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सप्रेशन को राइट द फार्मूला कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर राइट जिस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग क्या देखे थे कि दो या दो से अधिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो किस तरह का एक्सप्रेशन मिलता है हम लोग को किस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे मान लो 5x² + 2x³ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन करने का मतलब
कि एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन करते हैं तो हम लोग को किस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसी तरह से सेम हियर हम लोग देखेंगे क्या पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन में यदि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो हम लोग को क्या जो उसका रिजल्ट है वो पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन है कि नहीं है। जैसे फर्स्ट यदि एडिशन करते हैं दो या दो से अधिक टू और मोर, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ओनली टू थ्री फोर फाइव जितने भी आप लिख सकते हो पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे मान लो पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई 56 एक्स का पावर 4, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं दो दो पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन। क्या ये पॉलीनोमियल है? कांस्टेंट 5 है, एक्स स्क्वायर 2 क्या है होल नंबर है, तो पॉलीनोमियल है एक्सप्रेशन। दिस इज योर पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन 56 कांस्टेंट हो गया, एक्स वेरिएबल हो गया, 4 क्या है होल नंबर है, तो दोनों टर्म क्या है पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन है। दोनों को ऐड करने पर भी किस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन मिलेगा। तो इट मींस एडिशन करने पर पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन मिलेगा, सब्सट्रैक्शन करने पर भी पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन मिलेगा। यदि p1 माइनस p2 दो पॉलीनोमियल है यदि सब्सट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए 4x³ प्लस 2x, तो दिस इज आल्सो पॉलीनोमियल। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन करने पर हम लोग को किस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन भी मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन करने पर भी हम लोग को किस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा अगेन पॉलीनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल हियर आई एम टेकिंग टू टर्म्स 5x into 2x square, दो पॉलीनोमियल टर्म लिए, 5 कांस्टेंट टर्म, x वेरिएबल, x का पावर 1 है तो होल नंबर है, अंडरस्टैंड। तो ये टर्म भी मेरा पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। अगेन वेरीफाई 2x स्क्वायर क्या पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन है, 2 इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, x का पावर क्या है 2, तो दिस टर्म इज आल्सो पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हम लोग को पॉलीनोमियल मिलेगा, चेक। तो 5 * 2 ये 10 हो गया, x³ 10 इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, 3 इज योर होल नंबर। इट मींस मल्टीप्लिकेशन करने पर भी पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन मिलेगा। अब लास्ट कौन सा ऑपरेशन रह गया है, डिवीजन। डिवीजन दो पॉलीनोमियल के को यदि मैं हम लोग डिवीजन करते हैं तो क्या रिजल्ट पॉलीनोमियल मिलेगा कि नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी। हियर सम इज कंडीशन इज स्पेसिफाइड। स्टूडेंट काइंडली आप यहां पर ध्यान दीजिए, एडिशन हो सब्सट्रैक्शन हो मल्टीप्लिकेशन हो देयर इज नो प्रॉब्लम। यदि आप दो या दो से अधिक टर्म्स पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन को करते हैं तो रिजल्टेंट टर्म जो होता है वो पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन मिलता है। बट इफ यू आर डिवाइडिंग टू पॉलीनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देयर इज नो प्रॉब्लम, वहां भी वहां एडिशन करें सब्सट्रैक्शन करें मल्टीप्लिकेशन करें डिवीजन करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही देता था। बट हियर इन केस ऑफ डिवीजन के केस में हम लोग को ध्यान देने की बात है, क्या ये दो पॉलीनोमियल को डिवाइड करने पर इन एवरी केस क्या मुझे पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन मिलेगा नहीं। फर्स्ट हियर आई एम गिविंग एग्जांपल टू अंडरस्टैंड यू, x का पावर 5 / x का पावर 7, x का पावर 5 क्या है पॉलीनोमियल नंबर है, x का पावर 7 क्या है पॉलीनोमियल है। क्या दोनों को डिवाइड करने पर मुझे जो इसका रिजल्ट है पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन मिलेगा, इसको कट कीजिए x² 1 by x square को x का पावर -2, तो यह कांस्टेंट टर्म इज 1, पहला कंडीशन सेटिस्फाई, वेरिएबल x का पावर क्या है -2, तो -2 इज नॉट योर होल नंबर, होल नंबर क्या है 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, तो -2 इज नॉट योर होल नंबर। इट मींस दिस एक्सप्रेशन इज नॉट इसका जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है 1 by x² वो एक पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, ये पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, बिकॉज़ हियर -2 इज नॉट योर होल नंबर, दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज ये एक्सप्रेशन जो होगा वो पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो क्या कंडीशन है यहां पर देख रहे हैं कि ये तो पॉलीनोमियल आया नहीं डिवाइड करने के लिए, तो कंडीशन क्या है न्यूमरेटर का जो वेरिएबल का पावर जो होगा न्यूमरेटर का वेरिएबल का पावर ऑफ द न्यूमरेटर के जो वेरिएबल का पावर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू पावर ऑफ द डिनोमिनेटर वेरिएबल, पावर ऑफ द डिनोमिनेटर वेरिएबल,
power of the denominator variable. Denominator का जो variable है, उस numerator का variable का power हमेशा greater than and equal to power of the denominator variable. It means what you understand? P1 का जो variable होगा, P1 is your numerator. P1 का जो variable होगा, उसका power हमेशा power और we can say degree. Power किसकी बात कर रहा है? This term. Power हमेशा greater than equal to the power of the P2. P2 क्या है? Denominator term. इसके variable का जो power से हमेशा ज्यादा और बराबर होगा. Right? Then we can say that the resultant जो होगा वो मेरा polynomial expression देगा. जैसे for example x का power 5 upon x square. Here denominator का variable क्या है? X. Power क्या है? 5. Denominator का variable x. Power क्या है? 2. Here 5 is greater than 2. Right? Then there is no problem. यहाँ पर कट किए x cube. 3 is your whole number. तो numerator का हमेशा power greater than equal to होना चाहिए denominator के variable के power से. Then we resultant जो polynomial result होगा उसको हम लोग polynomial expression कहेंगे, right? उसी तरह से constant term को add करें, multiply करें, division करें, तो resultant expression हमारा क्या देगा? Polynomial. जैसे c into p1 को multiply किए polynomial expression देगा. जैसे मान लो 3 into 5x क्या दिया? Polynomial expression. इसी तरह से कोई constant term को add किए तो resultant polynomial देगा. जैसे मान 5x plus 2 polynomial expression. उसी तरह से आप subtraction करते हैं कोई भी expression का 5x cube minus 2 subtract किए constant term 2 है तो resultant क्या देगा? Polynomial expression देगा. उसी तरह से divide किए x का power 4 upon 2 resultant क्या देगा? Polynomial देगा. तो constant term का mathematical operation करते हैं polynomial expression में तो resultant जो होगा वो मेरा polynomial देगा. Constant term में there is no problem. Right? Right now अब आप polynomial expression के बारे में almost सारे concept सीख चुके हैं. Right? In next lecture हम लोग polynomial के बारे में some problems को जो concept understand किया है algebraic expression का, polynomial expression का, then we can solve. अब यदि मेरे student इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल ऑलवेज आई रिमाइंड यू कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और आप किसी भी बुक से प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए. मेरा फंडामेंटल क्या है बच्चों पर फोकस कि अपना फंडामेंटल क्लियर करो. बच्चे कहते हैं सर विच बुक यू फॉलो, मैं कहता हूं फंडामेंटल फॉलो करो और किसी भी बुक से प्रॉब्लम सॉल्व करो. आरएस अग्रवाल करो या आपका एनसीईआरटी बुक करो या एनी ऑथर, देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन. फंडामेंटल क्लियर है, you can solve the problem any book. आप किसी भी बुक से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. इसीलिए बच्चे आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो कोई भी बुक को आप प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो राइट नाउ आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूं. नाउ वी स्टार्ट द सॉल्व द प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. और मेरे बच्चे जितने स्टूडेंट हैं काइंडली आप लोग सारे के सारे प्रॉब्लम इजली आप ऑब्जर्व कर सकते हो. राइट बेटे, यदि कोई भी डाउट होता है तो मेरा वेबसाइट ऑलरेडी है. वेबसाइट एड्रेस जो है www.sfapatna.com पर आप जाइए. वहां पर सारे इंफॉर्मेशन, व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर. लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है उनको फर्स्ट उस पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है. देयर इज नो एनी चार्ज फॉर द रजिस्ट्रेशन. रजिस्टर्ड स्टूडेंट ही सिर्फ उनके प्रॉब्लम्स और डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा. स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी ऑलरेडी अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर चुका है 1 month बिफोर. उस पर लॉट्स ऑफ द वीडियो लेक्चर्स 9th और 10th का है. आप सारे स्टूडेंट जाकर देख सकते हैं. व्हाट इज द एसएफपी पटना पर यूट्यूब चैनल लॉन्च कर चुका है 1 month बिफोर. इस पर 9th और 10th के वीडियो लेक्चर्स हैं. आप जाकर अपने कॉन्सेप्ट को, फंडामेंटल को, मैथ और साइंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और अपने स्टडी को इम्प्रूवमेंट कीजिए. राइट बेटे, ओके. Thank you to all of you. All the best.